तो यहाँ पे पूरा डिटेल खुल के आ गया है, ये देख सकते हैं जो। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा पाइन लैब की मशीन के बारे में। तो अगर आपके पास भी पाइन लैब मशीन है और आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पीछे आपका बैक में कैमरा दिया हुआ है इसका, और यहाँ पे नीचे इसका स्पीकर लगा हुआ है, इसके अंदर इसका बैटरी लगा हुआ रहता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके डिस्प्ले पे और पे क्या क्या ऑप्शन हमें मिलता है, एक एक ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये बैक का, ये होम का, और ये आपका क्लियर करने के लिए दिया हुआ है, जैसे आपके फ़ोन में रहता है सेम फंक्शन है। ये आपका डिस्प्ले में जैसे आप अपने फ़ोन का ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं उसी टाइप से, यहाँ पे जैसे कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है, किसी चीज़ में वेरिफिकेशन के लिए अगर कैमरा का ऑप्शन आए तो यहाँ से आपको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद वापस से इसे बैक चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन दिया हुआ है, ये गैलरी में आपका जो भी फ़ोटो वगैरह आपका रहेगा वो इसमें आपको गैलरी में दिखेगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ सेटिंग का दिया हुआ है, तो सेटिंग में आपको यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ है तो सेटिंग ओपन नहीं होगा। और ये कैलकुलेटर का अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो इसमें आपको कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पे ऐप मार्केट दिया हुआ है, ऐप में इसमें आप कोई एप्लीकेशन का अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो लिमिटेड एप्लीकेशन है तो कोई भी एप्लीकेशन आप नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माई ऐप्स में जो जो ऐप इसमें इंस्टॉल्ड है फ़िलहाल वो आपको दिखेगा। और उसके बाद आता है सबसे मेन चीज़ इसका पेमेंट का, वो यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो यहाँ से स्वाइप करके आप यहाँ से पेमेंट ले सकते हैं कस्टमर से। दूसरा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेन ऑप्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइन लैब्स का, तो यहाँ से ही आपका ब्रांड EMI वगैरह होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल सब इसमें जा करके यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या है ना कि जो भी ब्रांड का आप फाइनेंस करना चाहते हैं, EMI करना चाहते हैं, उस ब्रांड का सिर्फ मॉडल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, वो ऑटोमेटिक उसका आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक AC का कर लेता हूँ, ये देख लीजिए, ये लॉयड के AC का मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं मॉडल डाल रहा हूँ और यहाँ पे पूरा मॉडल आ जाएगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया है और इस पर सिंपली सा इस आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका जो रेट है MOP रेट वो यहाँ पे आ जाएगा। तो रेट को यहाँ से आप एडिट कर लीजिएगा आप जितने में कस्टमर को बेच रहे हैं, तो यहाँ से रिसेट कर लेंगे और करने के बाद मान लीजिए 45,000 में बेच रहे हैं तो यहाँ पे 45,000 हम लोग को कर लेना है और अपडेट कर लेना है। और अपडेट करने के बाद आपके पास जिस भी बैंक के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सारे बैंक का, आप देख सकते हैं। और यहाँ सी ऑल में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं HDFC क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं सारे बैंक का आ गया है जिस भी बैंक में रहेगा। तो मान लीजिए 3 महीने का करते हैं हम लोग HDFC में, तो यहाँ पे पूरा डिटेल खुल के आ गया है, ये देख सकते हैं जो हम लोग रेट डाले थे और 3 महीने का EMI बन गया है। और ये आपका जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी कैशबैक हो जा रहा है, और अगर कभी ऑफर रहेगा तो उस पे भी कैशबैक आपको यहाँ पे दिख जाएगा जिस टाइम कंपनी ऑफर चलाएगा। और जो यहाँ पे टोटल लग रहा है यहाँ पे देख सकते हैं 44,999, तो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है। तो अब हम लोग चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा कार्ड को अपने स्वाइप करना है, जो कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, और उसके बाद यहाँ से सीरियल नंबर प्रोडक्ट का और इनवॉइस नंबर, मोबाइल नंबर डालेंगे, पिन डालेंगे, तो आपका प्रोसेस हो जाएगा सिंपल सा। तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ है। उसके बाद फाइल मैनेजर का, यहाँ पे आपका जो भी इसमें स्टोरेज में रहेगा वीडियो फोटो तो यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। और तीसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइन लैब्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे बैंक EMI करना है या फिर कैटलॉग में सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, वहाँ पर जिस भी ब्रांड का यहाँ पे सारा ब्रांड आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ से सिंपल सा जिस भी ब्रांड का EMI करना है तो इजीली वहाँ पे जा सकते हैं। मोर ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ऑल पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे UPI हो गया, सेल करना है तो यहाँ पे सारा QR कोड वगैरह से करना है तो यहाँ पे सारा यहाँ पे आपको सिंपल सा दिख जाएगा, जिस जैसा भी मूड में आप पेमेंट लेना चाहते हैं। फिर हम लोग बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद सिंपल सा
यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये पेमेंट जो आप बाहर में दिया हुआ है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, पेमेंट लेने का ऑप्शन है। और यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन दिया हुआ है, ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो यूपीआई भी देख लीजिए, ये बहुत अच्छा है। मान लीजिए किसी से आपको 2,000 रुपये यूपीआई से लेना है, तो 2,000 रुपये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे, और यहाँ पे स्कैनर खुल के आ जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे स्कैनर आ गया, यहाँ पे स्कैन करेंगे और आपके अकाउंट में 2,000 रुपये आ जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है और बहुत अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। और उसके बगल में यहाँ पे माई ईएमआई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग सिंपल से जाएंगे, यहाँ से खुद से आप बैंक ईएमआई कर सकते हैं जितना का भी करना है। तो यहाँ पे अमाउंट डालने के बाद कार्ड स्वाइप करेंगे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन आ जाएगा, आप खुद से कर सकते हैं बैंक के द्वारा। और उसके बाद यहाँ पे सेल का ऑप्शन दिया हुआ है, सेल में जो सिंपल सा जैसे पेमेंट लेते हैं अमाउंट डाल के कार्ड स्वाइप करके, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे सेटलमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दिन भर का जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा आप यहाँ पे सेटलमेंट करके कर लेंगे, उसके बाद ही कोई काम होगा। एक दिन का सेटलमेंट आपको सेम डे करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही इसमें कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह देखने के लिए जो भी अपडेट वगैरह आता है। और यहाँ पे आपका पूरा इसका प्रोफाइल खुल के आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, जो भी आपको सेटिंग वगैरह करना है, सेटिंग में कुछ चेंजिंग करना है, पासवर्ड चेंज करना है, प्रोफाइल में कुछ चेंज करना है, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन दे दिया है। अबाउट चेक करना है या फिर लॉग आउट करके दूसरा आईडी आपको इसमें लॉगिन करना है, तो वो भी आप यहाँ पे सिंपल सा कर सकते हैं।